नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टोट के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सब पर कृपा करें, जीवन में आप सभी सदैव खुश रहें, वृद्धि करें, इसी कामना के साथ ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। आपको बताएंगे आज कि आपको पारण कब करना है, आपको विसर्जन कैसे करना है कलश का, आपको कन्या पूजन कब करना है, कलश कब उठाना है, कैसे उठाना है, जो जवारा है उसका क्या करना है, जो नारियल है उसका क्या करना है, चुनरी है तो उसका क्या करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरे 9 दिन आपने कठिन तपस्या कर ली, व्रत धारण कर लिया, संकल्प लिया था 9 दिन व्रत का, वो आप पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन एक गलती कर दीजिए कि विसर्जन सही से ना हो तो सब कुछ किया धरा आपका व्यर्थ हो जाता है, आपको आपके व्रत का फल नहीं मिलता। तो कौन ही ऐसी गलती करना चाहेगा कि व्रत का फल ना मिले। तो हम आपको बताते हैं क्या करना है, बहुत सरल विधि बताएंगे, आसान विधि बताएंगे और ऐसी विधि बताएंगे जिससे कि आप माँ से जुड़े रहो। मुख्य बात तो यही है, अगर आप माँ से जुड़े हुए हो तो आपके द्वारा की गई गलतियाँ क्षम्य हैं, इसलिए भी क्षम्य हैं क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। लेकिन अगर आप में भान आ गया और उस भान के साथ में ये घमंड आ गया, अहंकार घर कर जाए अंदर कि अब मेरा कोई क्या कर लेगा, तो वहीं पर सारी समस्याएँ होती हैं। विनम्र रहिए, नैतिक रहिए और जिम्मेदार बन के रहिए, माता रानी आप पर कृपा अवश्य ही करेंगी। करना क्या है अब आपको, कन्या पूजन के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट्स की वीडियो थी, हमने सारी विधि आपको लिख लिख करके दी। समय कम था, हम आपको वीडियो में मिल नहीं पा रहे थे, तो छोटे छोटे वीडियो आपको आए हैं उसमें हमने सारी विधि लिख करके दी थी। अब इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपसे कि आपको करना क्या। जो विधि वीडियो में बताई गई थी कि आप कन्या पूजन करें, कन्या पूजन करने से पहले हवन करना है, कब करें, तो ये आपको वैसे तो दशमी को करें, नवमी को करें, बहुत सारे लोग अष्टमी को भी करते हैं, तो ये आपके यहाँ वास्तव में आपके यहाँ की अपनी एक रीति रिवाज भी होता है, उसके अनुसार भी किया जाता है, तो आप उसका पालन कर सकते हैं, तो उसी के अनुसार करिए, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ेगा कि आपने समापन कैसे किया। जो कन्याएं आएंगी उनको भोजन करवाइए, भोजन में मीठा भोजन होना चाहिए, उनको खट्टी कड़वी चीज़ें नहीं देनी है, मीठा भोजन करवाना है, सुगंधित भोजन करवाना है और सुंदर भोजन करवाना है। याद रखना कि आपके भोजन का रंग भी उतना ही मायने रखता है जितना उसका स्वाद मायने रखता है, तो आप पकाएं तो उसके रंग का भी ध्यान दें, उसके ताप का भी ध्यान दें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जलता हुआ परोस दिया, ये भी नहीं करना है। ताज़ा और खाने योग्य ऐसा भोजन होना चाहिए जब कन्या के सामने जाए, ताकि जब वो उसे ग्रहण करें तो उन्हें किसी भी प्रकार का जाने अनजाने कष्ट ना हो, क्योंकि वो तो अबोध बालिकाएं हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि जो बालिकाएं आई हैं उसमें कुछ तो समझदार भी हो सकती है लेकिन कुछ तो समझदार नहीं होंगी, हैं वो माता के रूप में, तो माता तो सभी रूपों में है ना, तो ऐसे में गलती ना हो कि उनका मुँह जल गया या उन्हें बहुत तीखा लगने लगा, वो परेशान हो गई, खा नहीं पा रही, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। उनको विदा करते समय भी ध्यान रखें कि वो बिल्कुल आपसे खुश होकर के जानी चाहिए, जब वो प्रसन्न रहेंगी तो आपके जीवन में प्रसन्नता घुल जाएगी। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े उस दिन आप करिए, पीछे मत हटिएगा, कुछ भी आप उस दिन बचाने में लगेंगे तो जीवन भर आपसे बचाने का प्रयास करेंगे, बचता नहीं है, तो इसलिए खुल करके पूरे मन से आप देवी को जो उपहार देना चाहते हैं, जो आपने प्लान किया उस हिसाब से करिए, और बालिका के रूप में अगर उनकी कुछ मांग है तो वो भी पूर्ण करने का आप अपना प्रयास करिए। तुरंत नहीं कर सकते हैं तो कहिए कि ठीक है हम कर रहे हैं, जो थोड़ा समय दीजिए, आप मांग करके समय करिए, लेकिन करिएगा जरूर, इससे सबसे पीछे नहीं भागना है। अब आते हैं कि विसर्जन कैसे करना है कलश का पूर्ण करने के बाद। वैसे तो नियम तो आपको पता ही है, रोज़ की पूजा करनी है जैसे आप करते आए हैं, 9 दिनों की पूजा वैसे ही होनी है, और जो दिन विशेष है जिन माता के नाम पर है, जैसे नवमी तिथि रहेगी तो माता सिद्धिदात्री के नाम पर है। अब आपने पूरे 9 दिन का अगर पूजन किया है तो सिद्धिदात्री माता का पूजन करना आपका ये आवश्यक ही है, क्योंकि वही तो आपको सिद्धि देंगे, उन्हीं की कृपा से तो जो आपने मंत्र का जाप किया है, जो आपने संकल्प लिया था वो पूर्ण होगा, क्योंकि सिद्धि देने वाली तो वही है। तो अंत में ये छोड़ के भागना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य नहीं खोना है, 9 दिन आप पूर्ण करें, घबराइए मत उसमें। माता का पूजन करेंगे, उनके मंत्रों के द्वारा करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, हलवा चढ़ता है, पूड़ी चढ़ती है, खीर चढ़ती है, चना चढ़ता है, ये सब चीज़ें आप भोग के रूप में जरूर रखें वहाँ पर। अब आपके सामने प्रश्न है कि कलश का विसर्जन कैसे करें। तो कलश का विसर्जन करने के लिए माता की आज्ञा लेकर कलश पे जो नारियल है, नारियल लीजिए, धीरे से उसको माथे पे लगाइए,
जो वहाँ पे चुनरी है, बाकी जो चीज़ें हैं उनको लेकर के अपने घर में जो स्त्री हैं, माता के रूप में है, बहन के रूप में है, पत्नी के रूप में जो स्त्री हैं, आप उन्हें दीजिए उसे। इसके अलावा सुहाग का जो भी सामान रहता है आप उन्हें दे सकते हैं, मंदिर भी भेज सकते हैं, पुजारी को दे सकते हैं, वो अपने घर पे अपनी घर की स्त्रियों को दे सकेंगे। इसके लिए भी लोगों का अलग अलग रीति रिवाज है, तो बहुत ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होना, जो घर में चलता रहा उसका ध्यान रख सकते हैं आप। और जो कलश में जल है, अब उस जल का क्या करें, तो जल को जो आम के पत्ते हैं, इन आम के पत्तों की सहायता से पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर दें। घर की नेगेटिविटी, दुख, दरिद्रता, रोग, विपत्तियाँ, कष्ट, कर्ज, शत्रु, बुरी नज़र, काला जादू, टोना टोटका, जो भी है, कैसी भी नज़र है, वो सब कुछ आपके घर से दूर हो जाएगी। इसलिए उस जल का छिड़काव पूरे घर में ज़रूर करना है। बचे हुए जल को घर में तुलसी के पौधे पे या फिर दूसरा अगर कोई पौधा है तो वहाँ पर उसे डाल सकते हैं। इसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित भी किया जा सकता है, नदी नहीं है तो आसपास किसी मंदिर में भी इसे ले जा कर रख सकते हैं, कलश को ले जा कर वहाँ रखा भी जा सकता है, ये भी ठीक है, कुछ समस्या नहीं इसमें। और अब आती है बात, तो जवारा, उसका क्या करना है। जवारे का करना है आपको, पहले तो देखें वो किस रूप में है, स्वस्थ है, हरी भरी फसल के रूप में दिख रहा है, फलता फूलता दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, माता की ये कृपा है आपके घर पे, आपके ऊपर, आपके आपने जो भी किया है पूजन उनसे माँ प्रसन्न है, और ये साफ साफ उसका एक उत्तर है, और इसको बहुत प्रसन्नतापूर्वक जीना चाहिए अब आपको, और पूजा आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। माता की विदाई कर रहे हैं कि वो आप उनके स्थान पर उन्हें भेज रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, ध्यान रखना, छोड़ थोड़ी रहे हैं, छोड़ना नहीं है, हमें माँ को हमेशा अपने हृदय में रखना है, वर्ष भर जीवन पर्यंत विधि विधान से पूजा पाठ करते रहना चाहिए, वो आप करते रहिएगा, वो नहीं छोड़ना है। और अंत में जवारे का क्या करना है, तो जवारा आपको कुछ जवारा लेकर के उसे लाल कपड़े में लपेट लीजिए और उसको अपने तिजोरी में या धन स्थान में या कोई भी मुख्य स्थान है घर का, जहाँ पर रखना चाहते हैं, जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ, जो भी कोना घर में, आप वहाँ पर उसे सुरक्षित कर दें। एक दो करके घर के लोगों को भी दे दें, वो अपनी पर्स में या अपनी ज़रूरी कागजात के साथ या जो भी उनका है, शिक्षा का स्थान है या फिर उनके उनका कोई घर, वो घर में वर्क स्टेशन है, ऐसी जो भी जगह है वहाँ पर वो उसको रख लें, उनकी भी वृद्धि, उनकी भी समृद्धि बढ़ेगी। और अब जो नारियल है, तो मित्रों नारियल भी बहुत ही यहाँ पर मुख्य बात है, नारियल को आप चाहें तो लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर ही रखिए और उसकी पूजा करें वर्ष भर। अगली नवरात्रि जब आती है तो नया नारियल स्थापित करने के समय पर आप इसे ले जाके विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप इसे प्रसाद के रूप में अपने घर में, आस पड़ोस में और स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके घर में ये रीतियाँ नहीं चलती हैं, आपके घर में ऐसा चलता है कि विसर्जन करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, तो आसपास में जो भी पवित्र नदी है आप वहाँ ले जा करके उस नारियल का विसर्जन भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो मुख्य बात यह है कि आप कितने आदर, कितने मन से, कितने समर्पण भाव से माता से जुड़े हैं, और दूसरा ये कि आप गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, तो गलतियों के रूप में यह है कि कुछ भी उठाया, कहीं भी लेके चले गए, कहीं भी फेंक दिया, ये नहीं कर रहे, आप अपनी रीतियों का पालन करते हुए जो भी आपसे गलती हुई है जाने अनजाने उसकी क्षमा याचना करते हुए व्रत को पूर्ण करें, ठीक। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें तरह तरह की बातें आपको बताई जा रही हैं, ये कर लो वो कर लो, बहुत सारे मंत्रों का विधान है, वैदिक विधान बहुत कठिन है और वो सबके सब तो नहीं कर सकते, वो वही कर सकते हैं जो बहुत साधक हैं, जिनके जीवन में और वो कुछ नहीं कर रहे साधना के सिवाय, वो सांसारिक जीवन से थोड़ा हटके अपने जीवन को चला रहे हैं, तो वो तो ऐसी चीज़ें कर पाएंगे बेचारे, लेकिन जो उनको छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में है और जिनको भौतिक जीवन भी जीना है साथ में, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने भौतिक जीवन में हैं, भौतिक जीवन में माता अगर जुड़ी रही तो सुख समृद्धि, ये जो सुख है, जो वैभव है, ये भौतिक जीवन में वृद्धि के लिए ही तो है, इसी का तो कारक है, तो इसलिए आप माता से जुड़िए इसी प्रकार में, डर में, दर्द में, घबराहट में नहीं जीना है आपको, माता से आशीर्वाद प्राप्त करना है, माता से जुड़ के जीना है, ठीक है। तो बहुत मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई आपने संकल्प लिया था किसी मंत्र का आपने कि हमें 9 दिन ये करना है, तो आपने वो किया होगा, करें होंगे तो उसका लाभ भी मिलेगा, नहीं किया है तो अभी भी वक्त है आपके पास कि नवरात्रि के बचे हुए दिनों में किसी भी मंत्र को या किसी भी उपाय को उठा लीजिए और उस उपाय को कंटिन्यू करिए आप,
वो उपाय चलता रहेगा। जब तक के लिए वो उपाय है चलने को, तब तक वो चलता रहेगा। शुभ तिथि का ध्यान रखने की आवश्यकता अभी भी नहीं है। अभी भी ये समय है आपके पास कि आप कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र करने के लिए नवरात्रि का अभी भी बचे हुए दिनों को उठा सकते हैं। माता की कृपा से कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएंगे। तो ये करना है आपको। इसके अलावा अगर कोई और सवाल है आपके पास तो ज़रूर आप हमें कमेंट से भेजें, व्हाट्सएप पर भेजें, वीडियो के माध्यम से जितना जल्दी हो सकेगा हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट्स में भी आपको मिलेगा, लॉन्ग फॉर्म में भी मिलेगा, बस आप हमको सवाल अपना भेजें अगर आपका कुछ भी है तो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। माता रानी आप सबका मनोरथ पूर्ण करें, आप सबके जीवन में खुशियाँ दें। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएँ।